गुड इवनिंग ऑल, आप देख रहे हैं मेरा चैनल शॉप ट्रैवल एंड कुक विद सुमी। और इसमें आपको सारी ही शॉपिंग से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड सारे व्लॉग्स मिल जाएंगे। आज मैं आई हूँ फिर आपके साथ लेकर दो एक मीशो हॉल जिसमें दो प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। मैंने अभी तक बस पैकिंग खोली है इनकी, अंदर देखा नहीं है क्या है। अगर आपको मीशो के बारे में नहीं पता है तो मीशो इज़ नंबर वन ट्रेंडिंग रीसेलिंग ऐप। इसमें आपको 50,000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, हर कैटेगरीज के प्रोडक्ट मिलेंगे। मीशो पे आप कैसे ख़रीदारी कर सकते हैं, रिफ़ंड पॉलिसीज क्या है इसकी, उसके लिए मैं एक वीडियो इस साइड में प्ले कर दूंगी। आप अपने विशेष अपनी आपको जो भी चीज़ों का, जो भी साड़ी, कोई भी साड़ी हो, कोई भी कुर्ता हो, कोई भी किचन वेयर हो, कोई भी आइटम का अगर आपको रिव्यू देखना है तो आप मुझे DM कर सकते हैं मेरा इंस्टा के पेज पे, वो भी मैं यहाँ ऐड कर दूंगी कहीं पे, ताकि आपको इजीली पता चले। अगर आपको मेरी ये साड़ी अच्छी लग रही है तो ये भी मैंने मीशो से मंगाई है। और ब्लाउज़ ये इसका नहीं है, ब्लाउज़ मैंने स्टिच नहीं किया था क्योंकि ये मैंने अपनी बहन के हल्दी के फंक्शन में पहना था, तो मैंने इसका पेयर रखा था येलो ब्लाउज़ का। अगर आपको मेरी इयर रिंग्स अच्छे लग रहे हैं तो ये भी मीशो से मंगवाई है मैंने, और इसका भी प्रोडक्ट कोड मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन बार में ऐड कर दूंगी। साड़ी का भी प्रोडक्ट कोड मैं डिस्क्रिप्शन बार में ऐड कर दूंगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स रोल इन द वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़े से भी अच्छे लगते हो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन ऑन करते हैं या टैप करते हैं तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और मुझे ऐसी ही चीज़ों को और मोटिवेट होती हूँ मैं, ताकि मैं और चीज़ें आपके लिए लेकर आ सकूँ। पीछे आपको जो कुशन्स दिख रहे हैं, अगर वो आपको अच्छे लग रहे हैं तो वो कवर्स भी मैंने मीशो से मंगाए हैं, और उसका व्लॉग मेरे चैनल पे आ गया है। अगर आपने नहीं देखा है उसका भी मैं ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, ताकि आप जाके देख सकें। बहुत ही अच्छे कुशन कवर्स है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स रोल योर वीडियो। आज मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक कुर्ता सेट है और एक है साड़ी। साड़ी जो है बहुत ही ट्रेंडिंग साड़ी है, ये मैंने इंस्टाग्राम स्टोर्स पर बहुत देखा है, बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स को पहनते हुए देखा है मैंने, लेकिन उन्होंने इंस्टाग्राम से ही मंगवाया है। लेकिन मैंने आज तक कभी इंस्टाग्राम से शॉपिंग नहीं की है, तो फॉर्चुनेटली मुझे ये सेम साड़ी मुझे मीशो में भी मिली एट वेरी रीजनेबल रेट। कुर्ता सेट जो मैंने लिया है वो तो बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है, और आपको देख कर ही पसंद आने वाला है। आई होप कि जिस तरीके से मुझे दिखाया गया था उसी तरीके से आया होगा ये। सो विल स्टार्ट विद द कुर्ता सेट। लुक एट दिस, ग्रे एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है, येलो कलर गोल्डन कलर का इसमें फॉयल प्रिंट है, एंड पैकिंग इज वेरी नाइस। ये किसी ब्रांड से है, दिस ब्रांड इज समसारा, और इसमें आप स्कैन भी कर सकते हो उनके प्रोडक्ट को। सो आई एम होपिंग दैट दिस विल बी वेरी गुड। चलिए खोल के देखते हैं, पहले प्रोडक्ट देखते हैं, उसके बाद मैं आपको उसका प्राइस बताऊंगी। एंड दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। देखिए ऐसा क्लिपिंग्स के साथ आई है, जैसे शॉप्स पे आप खरीदते हैं तो जैसा मिलता है वैसा है। और इसके अंदर ये एक वाइट कलर का फॉर्म टाइप है वो कपड़े को वो बनाने के लिए। जस्ट हैव अ लुक ऑफ दिस, वेरी ब्यूटीफुल कॉलर कॉलर है, कॉलर थोड़ा सा पैटर्न इसका यू पैटर्न टाइप का है, और यहाँ ये थोड़ा ओपन है, इसमें जिप और थ्रेड कुछ नहीं है, सॉरी क्लिप्स कुछ नहीं है। इस तरीके से वाइट छोटे छोटे पॉम पॉम्स लगाए गए हैं इसमें टू मैच अप विद दिस स्टाइल। और आप ये एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट देखिए, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्रिंट ऑफ वाइट एंड गोल्डन कलर। फुल लेंथ का स्लीव है, स्लीव्स के आगे जाएंगे तो बहुत ही सुंदर पैटर्न मिलने वाला है आपको। इस तरीके से ये ओपन हो रहा है, और ये सेम क्रोशेड जो होते हैं क्रोचेड उनका उसका इसमें डिज़ाइन बनाया गया है, बहुत ही प्यारा है, वेरी एलिगेंट। इट विल लाइक अगर आप इसको सिंपली भी पहनोगे तो बहुत अच्छा लगने वाला है। फुल लेंथ का है, इसका ट्राई ऑन मैं यहाँ कहीं ऐड कर दूंगी वीडियो में, ताकि आपको पता चले कि ये किस तरीके से दिख रहा है। आई एम लविंग इट, लुक एट दिस, बहुत ही प्यारा है। कमिंग टू द पैंट, पैंट पूरा सिंपल है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ट्राउज़र, और बीच में जहाँ एंड की ओर में इस तरीके से पैटर्न बनाया गया है, जो सेम पैटर्न आपके हैंड्स में था क्रॉचेट का वो सेम लाइनिंग से बनाया गया है। एंड कमिंग टू द प्राइस ऑफ दिस कुर्ता सेट, इट इज़ ऑफ ओनली 450। फुल कॉटन का है, गर्मी का मौसम है, ये पहनेंगे आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगने वाली है। मैं तो कल ही इसे पहन के जाने वाली हूँ कॉलेज। सो अ बिग थम्स अप फॉर दिस।
उसके बाद अगर आप दूसरा देखेंगे प्रोडक्ट, तो ये मैंने पूरा खोला भी नहीं है, आई विल जस्ट सी, ये साड़ी है। दिस वाज आई थिंक अराउंड 1018 की पड़ी है मुझे ये साड़ी। इस तरीके से पैकेजिंग में आई है अभी पिछले। ओ माय गॉड, लुक एट द कलर कॉम्बिनेशन, दिस गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल। जिस तरीके से आई एक्सपेक्टेड, ये वैसे ही आया है, आई होप। या दिस इज ऑसम, लुक एट द प्रिंट, बहुत ही सुंदर है। सो विल स्टार्ट, हाथ से स्टार्ट करें, मेरे फेवरेट पार्ट से स्टार्ट करें, पल्लू से। सो ये है पल्लू, टर्कुइश ब्लू कलर का है ये, और इस कलर की मेरे पास कोई साड़ी भी नहीं है, तो आई एम हैप्पी कि ये मैं रख पाऊँगी। इस तरीके से इसमें पैटर्न बनाया गया है, जरी का सारा काम किया हुआ है, पल्लू में कटवर्क है साइड की ओर। लुक एट दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट इज वेरी ब्यूटिफुल, और साड़ी का कपड़ा इज वेरी सॉफ्ट, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट, आई थिंक जॉर्जेट का कपड़ा है। सो ये इस तरीके से, वन सेकेंड मैं भी खोल के देख लूँ। ये नीचे का पार्ट है, ये पूरे ही पार्ट में ये कटवर्क टाइप में ही आ रहा है आपका ये पैटर्न पूरा, एंड और ऊपर से, ऑब्वियसली ऊपर से कटवर्क अगर ऊपर आएगा तो चुभेगा हमें, तो ये ऊपर से बस इस तरीके से है। और पीछे साइड में ये जैसा ऐसा प्लेन है, मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों है, बट एनी ऑफ द वेज आगे साड़ी अगर आप आगे से देखोगे तो इट इज वेरी ब्यूटिफुल। एक सेकेंड एडजस्ट कर लो इसे, ये आपका ऊपर का पैटर्न है जो आप टक इन करते हो अंदर की ओर, और जहाँ से पल्लू शुरू होता है ये वाला जो कटवर्क का डिज़ाइन है ये आपको दोनों ही औरों में मिलेगा, ये ऊपर की ओर और नीचे, तो ये कंटिन्यू था ही तो नीचे की ओर भी है। कमिंग टू द ब्लाउज, देखते हैं ब्लाउज कैसा आया है इसका। ब्लाउज इज प्लेन, कलर इज सो ब्यूटिफुल, आई एम लविंग द कलर। आपको कैसा लगा प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ DM में आपको कलर कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में भी आप बोल सकते हैं। इस तरीके जो कटवर्क आपको पूरी साड़ी में मिल रहा है वो कटवर्क पैटर्न दिया गया है। ये कटवर्क अगर आप स्लीव्स में लगाएंगे, 3-4 स्लीव स्टिच करके इसे लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। टर्कोइश ब्लू कलर का ही है। सो अ वेरी वेरी बिग थम्स अप फॉर दिस साड़ी, बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई इस साड़ी का, इसके अपोजिट साइड में ये, वाई दिस इज़ लाइक दिस, आई डोंट नो, बट एनी ऑफ द वेज साड़ी आप आगे से पहनते हो एंड दिस इज माइंड ब्लोइंग, अ वेरी वेरी बिग थम्स अप फॉर दिस साड़ी, आई एम गोइंग टू कीप इट। इसका ट्राई ऑन भी मैं साइड में लगा दूंगी। ब्लाउज इसमें बहुत सारे कलर्स है, तो आप किसी भी कलर के साथ ब्लाउज इसके साथ पेयर अप कर सकते हो, इवन अगर आपको ये ब्लू कलर का ब्लाउज नहीं पेयर अप करना है। सो मैं सोच रही हूँ इसके साथ पेयर करने के लिए रेड कलर का ब्लाउज, सो देखते हैं पेयर करते हैं, या फिर इस येलो वाले ब्लाउज के साथ भी ये बहुत अच्छा लगने वाला है। सो आई जस्ट चेक इट, या इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल, लुक वेरी ब्यूटीफुल, तो ये भी कर सकते हैं। इसका ट्राई ऑन भी मैं साइड में कहीं पे लगा दूंगी। तो आज मेरे पास आपको दिखाने के लिए यही दो प्रोडक्ट्स थे, मीशो के थे दोनों ही प्रोडक्ट्स। अगर आपको मेरे हॉल्स थोड़े से भी अच्छे लगते हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आने वाली है आगे। इफ़ यू आर ए म्यूजिक लवर, यू कैन कनेक्ट मी ऑन माई अदर चैनल ऑल्सो। आई एम हैविंग अ म्यूजिक चैनल जिसमें मैं गाने गाती हूँ, एंड सिंगिंग इज़ माई पैशन। तो अगर आप, यू आर ऑल्सो ए म्यूजिक लवर, आप मुझे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बार में ऐड कर दूँगी। थैंक यू। शॉपिंग कैसे करेंगे, ये है मीशो, एक मिनट मैं आपको पहले से दिखा दूँ। ये है मेरा मीशो, मीशो मैंने ऐसे खोल लिया तो ये मेरा पेज खुल गया। यहाँ ऊपर आपको मेरा नाम दिख रहा होगा, सारी कैटेगरीज आपको दिख जाएंगी इसमें, सब कुछ ही मिलता है, साड़ी कुर्ती, नॉट ओनली सिर्फ फीमेल्स का या सिर्फ वुमेंस का, सारी ही चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मेंस का, किड्स का, होम, किचन, ब्यूटी, सारी चीज़ें मिल जाती है इसमें। 50,000 प्लस प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, और सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं इसमें। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसमें शॉपिंग कैसे कर सकते हो मीशो में। जैसे आप बाकी साइट्स में शॉपिंग करते हो वैसे ही इसमें भी शॉपिंग होता है आपका। से फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने ये खोला तो आपको ये सारी चीज़ें बायलिटरल वे में दिखेंगी, और आपको ये पसंद आया तो आपने इसको ऐड टू कार्ट किया,
और ये आपके कार्ट में सीधा ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद डिलीवर टू दिस एड्रेस करके जो भी पेमेंट मेथड आपको यूज़ करना है, कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन या पेटीएम, कुछ भी जो भी आपको यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो आगे। लेकिन आपको यहाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे से फॉर एग्जांपल आपको अगर एक ही प्रोडक्ट सेम सेलर से आपको ऑर्डर करने हैं बहुत सारे, तो आप इनका क्वांटिटी रेस कर सकते हो। जैसे से फॉर एग्जांपल ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको जितना करना है आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ये साड़ी ऐड कर ली और उसके बाद अगर आप फिर ये झूला जैसा ऐड करना चाह रहे हो आप, तो ये आपके कार्ट में ऐड नहीं होगा। अब जैसे ही कार्ट में ऐड करने जाओगे, बिकॉज दोनों अलग अलग सेलर्स के हैं, दोनों अलग अलग जगहों से वो होंगे, शिफ्ट होंगे, तो आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ऑर्डर कर पाओगे। वो अलग से साड़ी जो थी वो अलग सेलर की साड़ी सेलर की थी, और ये जो झूला ये किसी और सेलर का है, तो इसलिए आपको इस तरीके से दिखाया जाएगा योर कार्ट कंटेंस ऑलरेडी वन आइटम। अगर आपको उस आइटम को नहीं रखना है तो ही आप, अगर आप उस आइटम को खरीद हटाओगे, रिमूव करोगे, तो ही आप इस आइटम को ऐड कर सकते हो। तो इस केस में अगर मैंने अपना माइंड बदल लिया और फिर मुझे वो ही चाहिए, साड़ी ही चाहिए, तो मैं इसे कैंसिल कर दूंगी, और अगर मुझे साड़ी नहीं चाहिए तो मैं इसको यस करके फिर दोबारा से इसे ऐड कर दूंगी अपने कार्ट में। बट यही झूला अगर मुझे से फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको कार्ट दिखाती हूँ, यही झूला अगर मेरे को और भी चाहिए तो मैं क्वांटिटी इनकी बढ़ा सकती हूँ। सेम से अगर मैं आपको बार बार बता देती हूँ, सेम सेलर से आप सेम आइटम खरीद सकते हो, जितना आपको परचेस करना है आप परचेस कर सकते हो, लेकिन टू डिफरेंट सेलर से आप वन टाइम में परचेस नहीं कर सकते। अगर टू डिफरेंट सेलर से टू डिफरेंट आइटम आपको परचेस करने हैं तो एक एक करके आपको ख़रीदना पड़ेगा।